देशभक्त न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर गोहाना से आ रही है। गोहाना से कांग्रेस विधायक जगबीर सिंह मलिक ने पार्कों का औचक निरीक्षण किया और कुछ जो चौक हैं उनका भी निरीक्षण किया गया है। जगबीर सिंह मलिक ने कहा कि आज जो है पार्कों का निरीक्षण किया गया है, जहां पर कुछ खामियां भी जरूर मिली हैं। और इसके अलावा जो है उन्होंने मदन लाल ढींगरा पार्क में जाकर अलग अलग जगह की निरीक्षण किया गया। उनके साथ गोहाना नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन राजकुमार शर्मा भी उनके साथ नजर आए। और उनके अलावा उन्होंने कहा कि जो पार्कों की मेंटेनेंस है वो सही तरीके से नहीं हो पा रही है। और उन्होंने नगर परिषद के कर्मचारियों और अधिकारियों से अपील भी की है कि इन पार्कों को सही तरीके से जो है मेंटेनेंस इनका किया जाए, ताकि जो है जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनको सुविधाओं का पूरा लाभ उठ सके। अब देख सकते हैं जहां पर जगबीर सिंह मलिक ने जो है पार्क के बाद जो है मदन लाल ढींगरा पार्क के साथ बने स्टेडियम का भी निरीक्षण किया और जहां पर खिलाड़ियों से भी उन्होंने मुलाकात की और जहां पर उन्होंने खिलाड़ियों से वहां की सुविधा के बारे में भी बात करने का जो है काम किया गया। आप देख सकते हैं जहां पर जगबीर सिंह मलिक के साथ गोहाना नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन राजकुमार शर्मा और कांग्रेस के नेता दुष्यंत लठवाल भी उनके साथ नजर आ रहे हैं। आप सभी से अपील रहेगी कि इन तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हर व्यक्ति तक ये खबर पहुंचे कि गोहाना से कांग्रेस विधायक जगबीर मलिक ने आज पार्कों और स्टेडियमों और चौकों का निरीक्षण किया, जहां पर काफी खामियां पाने की बात जो है जगबीर सिंह मलिक के द्वारा की गई है। और उन्होंने गोहाना के चौधरी देवीलाल चौक की पर भी निरीक्षण किया, जहां पर उन्होंने कहा कि चौक का इतना बुरा हाल है कि वहां पर कई कई महीने तक जो फुहारे चलते हैं वो है पानी वहां पर जमा है, और जहां पर पानी के अंदर काफी गंदगी और वहां पर काई लगी हुई है। और देख सकते हैं जहां चौधरी देवीलाल चौक की तस्वीरें हैं, जहां पर जगबीर सिंह मलिक जो है खुद यहां पर निरीक्षण करते हुए सामने नजर आ रहे हैं, जहां पर पानी के अंदर काई जमी होने की बात जो है जगबीर सिंह मलिक ने कही है कि यहाँ पर कई कई महीने तक पानी बदलने का काम नगर परिषद के द्वारा नहीं किया जा रहा है। और देख सकते हैं जहां पर गोहाना से विधायक जगबीर सिंह मलिक के द्वारा चौधरी देवीलाल चौक की जो है चौक है उसकी निरीक्षण करते हुए जगबीर सिंह मलिक सामने नजर आ रहे हैं। और उसके बाद जो है चौधरी देवीलाल चौक के बाद जो है वह बड़ौदा रोड स्थित सिविल हॉस्पिटल के साथ बने नया जो पार्क तैयार हुआ है उसका भी निरीक्षण किया गया। और उन्होंने कहा कहीं ना कहीं ये जो पार्क है वो लोगों के अच्छा काम आ रहा है, क्योंकि शाम के समय और सुबह के समय जो प्राकृतिक जो चीजें हैं वो सैर करने से स्वास्थ्य ठीक रहता है। लेकिन उन्होंने वहां पर बने मोचरी हाउस पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठाते हुए उन्होंने कहा कि लोगों के साथ जो है ये पार्क अच्छा है, लेकिन पार्क के साथ बने मोचरी हाउस को यहाँ से हटा देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है लोग आते हैं और जो मोचरी हाउस है वो अच्छी चीज पार्क के साथ नहीं है। और उन्होंने नगर परिषद से भी अपील की है और हॉस्पिटल से भी अपील की है कि इस मोचरी हाउस को यहाँ से शिफ्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पार्क के साथ मोचरी हाउस अच्छा नहीं लगता है, जिससे आने जाने वाले लोगों को जो लोग हैं वो कम यहाँ आ पाएंगे। आप सभी से अपील रहेगी कि इन तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हर व्यक्ति तक यह खबर पहुंचे कि गोहाना के विधायक जगबीर सिंह मलिक ने जो बड़ौदा रोड पर नया पार्क बना है उसके साथ बनी मोचरी को यहाँ से हटाने की बात कही जा रही है। तो जी अभी आपने किया था पार्कों का चौकों का तो क्या कह रहा था? तो पार्कों में दो तीन पार्कों में शिकायत आई थी, मैं गया भी था। एक तो चौक है देवीलाल चौक, उसमें इतनी गंदगी है, बदबू आ रही है, पानी भरा रहता है अंदर, कोई उसकी देखभाल नहीं है। ये नगर परिषद वाला को उसका कम से कम एक महीने में एक बार पानी निकाल देना चाहिए। रही दूसरी बात, जो नया अच्छा है पार्क तो ठीक जगह बनाए, लोगों को जरूरत भी थी उस पार्क की, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि उस पार्क के अंदर ही मोर्चरी है, डेड बॉडी वहां रखते हैं, और वो भी आज जैसे बरसात हुई है बरसात का पानी भी उस मोर्चरी में जाता है,
और डेड बॉडी को हॉस्पिटल से पूरा बाहर निकाल के घुमा के फिर उसमें मोर्चरी भी लेते हैं। ये पार्क के ही साथ लगता हिस्सा है, और यहाँ पर जो है ना गंदगी और ऐसी हालात है, इसको कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहिए। हॉस्पिटल में भी जो दूसरी खाली जगह पड़ी है वहाँ मोर्चरी बनानी चाहिए, ताकि ऐसे डेड बॉडी की दुर्दशा ना हो इधर उधर ले जगह जाने में, और एक ही जगह जो है ना उसका पोस्टमार्टम हो जाए। इसको भी बदलना चाहिए, सरकार को इसका ध्यान देना चाहिए।